आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत पेपर फर्स्ट के अंदर ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने अर्थात वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताऊंगी। वाष्पोत्सर्जन को दो तरीके कारक प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। फर्स्ट, बाह्य कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो मिट्टी अथवा वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, इन्हें हम बाह्य कारक कहते हैं। प्रथम बाह्य कारक, अपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जल वाष्प के विसरण की दर वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। शुष्क वायुमंडल में पत्ती के अंदर के वातावरण व वायुमंडल के बीच वाष्प दाब की प्रवणता अधिक होती है, जिससे जल वाष्प का अधोरंध्री कोष्ठकों से बाह्य वायुमंडल में विसरण अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। परंतु जब हवा में आर्द्रता अधिक होती है, तब पत्ती के अंदर के वातावरण और वायुमंडल की हवा के बीच वाष्प दाब की प्रवणता कम होती है तथा वाष्पोत्सर्जन की दर ऐसे समय में कम हो जाती है। दूसरा कारक, तापमान। तापमान बढ़ने से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रंध्र बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, रंध्र खुल जाते हैं। इस स्थिति में पत्ती के अंदर और बाह्य के वातावरण के बीच वाष्प दाब की प्रवणता बढ़ जाती है और वाष्पोत्सर्जन तेज हो जाता है, जैसे कि आपको ग्राफ के अंदर प्रदर्शित किया जा रहा है। बहुत ऊंचे तापमान पर वातावरण की अपेक्षित आर्द्रता कम होने से भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। बहुत ऊंचे तापमान पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा अधिक पर रंध्र बंद या आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं। तीसरा कारक, वायु। वायु के तेज प्रवाह से पत्ती के आसपास की नम वायु हट जाती है और शुष्क वायु उसके निरंतर संपर्क में आती रहती है, जिससे तेज हवा में वाष्पोत्सर्जन और अधिक होता है। तेज हवा में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, परंतु शीघ्र ही यह दर कम होने लगती है। इसके कारण वायु के प्रभाव से पत्तियों का तापमान कम हो जाता है। यह आपको ग्राफ के अंदर इंडिकेट हो रहा है कि जैसे जैसे हवा तेज होती है, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती चली जाती है। चौथा कारक, वायुमंडलीय दाब। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि निम्न दाब पर जल का बहुत कम तापमान पर ही वाष्पन हो जाता है। इन क्षेत्रों में कम तापक्रमों पर भी वाष्पोत्सर्जन की दर काफ़ी तीव्र होती है। कम दाब पर आसपास की वायु विरल हो जाती है, जिससे पत्तियों से जल वाष्प का विसरण आसान हो जाता है एवं इससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। पांचवा कारक, मिट्टी से प्राप्त जल की मात्रा। पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर जड़ द्वारा संपुचित जल की मात्रा अवशोषित करने पर लगातार बनी रहती है। पत्तियों में जल की कमी होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। छठा कारक, प्रकाश। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर सदैव अधिक होती है, क्योंकि अनेक क्रियाएँ प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, जो रंध्र गति को नियंत्रित करती हैं। दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों का वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव अलग अलग होता है। लाल व नीले रंग की तरंगदैर्ध्यों का प्रभाव अधिक होता है, जबकि हरे क्षेत्र में रंध्र बंद होते हैं। सातवां कारक, यांत्रिक आघात। नाइट 1917 के अनुसार विभिन्न आघातों में रंध्र बंद हो जाते हैं। तेज वायु धारा में रंध्रों का बंद होना भी आघात के कारण होता है। खनिज स्थिति। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयनों की कमी करने पर रंध्रीय गति सुस्त हो जाती है। अनेक प्रकार के आयन भिन्न भिन्न स्तर तक रंध्रीय गति को प्रभावित करते हैं। नवा कारक, कार्बन डाइऑक्साइड। हीथ के अनुसार 1959 के अनुसार CO2 की अति निम्न सांद्रता रंध्रों के खुलने में महत्वपूर्ण होती है। CO2 विहीन वायु रंध्र अंधेरे में भी खुले रहते हैं। मैंसफील्ड ने 1955 में बताया कि CO2 की उच्च सांद्रता में रंध्र बंद हो जाते हैं। दसवां कारक, ऑक्सीजन।
वॉकर एंड जेलिच ने 1963 के अनुसार रंध्रों के खुलने के लिए ऑक्सीजन भी आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की कमी में रंध्र बंद हो जाते हैं। 11वां कारक कीटनाशक एवं उर्वरक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़ाव वाष्पोत्सर्जन की दर पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। रसायनों के प्रयोग से उपचर्म की पारगम्यता तथा पत्ती का तापक्रम परिवर्तन हो जाता है। बॉर्डेक्स मिक्सचर पत्तियों के तापक्रम को कम कर देता है, जिससे उपचर्म की पारगम्यता बढ़ जाती है। यह मिश्रण विशेष रूप से रात्रि में उपचर्म वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि करता है। अब हम देखेंगे आंतरिक कारक। इसमें निम्न कारकों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे मूल प्रोह का अनुपात क्या है, पत्ती का क्षेत्रफल क्या है, पर्ण की संरचना कैसी है, पत्ती का दिक्विन्यास, पत्तियों की जलमात्रा, पर्णरज, कवकीय संक्रमण आदि जो है आंतरिक कारक भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक वाष्पोत्सर्जन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। पौधों के लिए जल का अत्यंत आवश्यक है, परंतु मूल तंत्र द्वारा अवशोषित जल का 90% से अधिक पौधे के वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर निकल जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में पर्णपाती वृक्ष को वाष्पोत्सर्जन कम अथवा रोकने के लिए अपने पत्तियां गिरानी पड़ती हैं। अनेक वैज्ञानिकों के विचारों से पौधे को वाष्पोत्सर्जन से कई लाभ हैं। कुछ ऐसे इसे एक आवश्यक बुराई की संज्ञा भी देते हैं, परंतु रंध्र मुख्य रूप से गैसों के आदान प्रदान के मार्ग हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादपों में निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला, पत्ती की कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय स्थानों से जल वाष्प बाहरी वायुमंडल में विसरित होता है। दूसरा, जल के वाष्पन द्वारा पौधों की सतह ठंडी होती है। तीसरा, वायुमंडल में आर्द्रता निरंतर बढ़ती है। चौथा, जल का जड़ों में अवशोषण तथा फिर संवहन उत्कों में से होकर पत्तियों तक पहुंचना भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ही होता है। पांचवा, पौधों के जलीय अंश में कमी होती है एवं उस माध्यम में भी जल की मात्रा कम होती है जिसमें से ये अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। पहला, रसारोहण। पौधों में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन के अपकर्ष ट्रांसपिरेशन पुल पर बहुत निर्भर करता है। इस क्रिया से जड़, तने व पत्ती की जाइलम वाहिकाओं में एक बल उत्पन्न होता है, जिसे चूषण बल कहते हैं, जिससे मृदा जल मूल रोमों से अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक पहुंचता है। पौधे के जल स्तंभ को बनाए रखने के लिए निम्न तीन बल महत्वपूर्ण हैं। पहला, वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न अपकर्ष। दूसरा, जल अणु के मध्य ससंजक बल, कोइजे फोर्स। तीसरा, जल अणु व जाइलम वाहिकाओं की भित्तियों के बीच आसंजक या एडेसिव बल। जल के अवशोषण व रसारोहण के लिए वाष्पोत्सर्जन अति आवश्यक है। दूसरा, पादप शीतन प्रभाव। पत्तियों पर आपतित सौर ऊर्जा का लगभग 65% पत्ती द्वारा अवशोषित किया जाता है। 25% पत्तियों से छनकर निकल जाता है और शेष 10% सौर विकिरण परावर्तित हो जाता है। सौर ऊर्जा पत्ती में तुरंत ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। यदि इस ऊर्जा का उपयोग किसी कार्य में ना किया जाए तो तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि पौधा कुछ समय से अधिक जीवित नहीं रह सकता। सौर ऊर्जा का उपभोग पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में भी किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन पत्ती को शीतलता प्रदान करने में सार्थक नहीं होता है। तीसरा, वृद्धि एवं परिवर्तन पर प्रभाव। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों की वृद्धि पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। वायु की उच्च आर्द्रता की स्थिति में सूरजमुखी की वृद्धि सामान्य से आधी रह जाती है। उच्च आर्द्रता की अवस्था में वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है। अतः वैज्ञानिक विनवर्जर ने 1958 के अनुसार सूरजमुखी के पौधे में सामान्य वृद्धि के लिए वाष्पोत्सर्जन एक अति आवश्यक कारक है। चौथा, मूल तंत्र का विस्तार। वाष्पोत्सर्जन मूल तंत्र के विस्तार एवं परिवर्तन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। अतः तेज वायु के विरुद्ध पादप रोह भी खड़े रहकर जीवित रह सकते हैं। पाँचवा, पादप में अतिरिक्त जल निकास। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादपों में अवशोषित अतिरिक्त जल को बाहर निकाल दिया जाता है।
जिससे पौधे के समस्त भागों की कोशिकाएं सामान्य रूप से स्फीत होती हैं और विभिन्न उपापचयी क्रियाएं सामान्य रूप से संपादित होती हैं। छठा, मृदा से अतिरिक्त जल का निकास। वर्षा ऋतु में मृदा में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे मृदा वातन तथा खनिजों की मात्रा हासिल हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन अतिरिक्त मृदा जल को पादपों के माध्यम से निकालकर पौधों को उपयुक्त बनाता है, जिससे अनुकूल मृदा वातावरण में मूल अधिक मृदा कणों के संपर्क में आ जाती है, जो पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए उपयुक्त है। सातवां, यांत्रिक ऊतकें। वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर पौधों में यांत्रिक ऊतकों में परिवहन में सहायक होती है। आठवां, खनिज लवण अवशोषण व परिवहन पर प्रभाव। खनिज पदार्थों के अवशोषण और परिवहन में वाष्पोत्सर्जन क्रिया का योगदान न के बराबर है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन खनिज लवण अवशोषण एवं परिवहन को परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। अब हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन से क्या क्या हानियाँ होती हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए हानिकारक भी होता है। अवशोषित जल की लगभग 97% मात्रा जल वाष्प के रूप में त्याग दी जाती है। इसके द्वारा हानिकारक प्रभाव निम्न है। पहला, प्रोटीनों का विघटन। पौधों की अमीनो एसिड तथा प्रोटीन उपापचय अभिक्रियाएं जल प्रतिबल की आवश्यकता द्वारा केवल प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाओं में विघटन नहीं होती हैं, वरन प्रोटीनों का अपघटन भी त्वरित हो जाता है। दूसरा, वृद्धि में कमी। वाष्पोत्सर्जन होने के कारण पौधों के अंगरखों में जल की बहुत कम मात्रा पहुँचती है, अतः इनकी स्फीति गिर जाती है, जिससे इनकी वृद्धि प्रभावित होती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिक मात्रा में जल का ह्रास करने वाले पादपों में वृद्धि बहुत कम हो जाती है। तीसरा, उपज में कमी। पौधों में एक बार मुरझान से 50% से अधिक उपज कम हो जाती है। जल न्यूनता होने से पौधे में पुष्पन देरी से होता है तथा फलों की संख्या कम व फल छोटे होते हैं। चौथा, शुष्कन तथा ग्लानी। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में जब जल न्यूनता बहुत अधिक हो जाती है तो पत्तियां सूख जाती हैं। प्रारंभ में पत्तियां किनारों की ओर से सूखती हैं तथा बाद में अन्य भाग सूखते हैं। अंत में पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। अंतिम अवस्था में पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। पांचवा, उपापचय में कमी। जीव द्रव्य की उच्चतम दक्षता एवं क्षमता हेतु समुचित जल योजन आवश्यक है। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की इतनी हानि हो जाती है कि जीव द्रव्य में जल की मात्रा अनुकूलतम स्तर में भी निम्न हो जाती है, तब पादप की समस्त उपापचयी क्रियाएं बंद हो जाती हैं इस अवस्था में पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पौधों को पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं हो पाती और प्रकाश संश्लेषण की दर में भी कमी हो